हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। आप जानते होंगे दोस्तों कि ये कच्ची काली चना ये है, इसे आप रात में भिगो करके दे करके आप सुबह सुबह ये फूली हुई चने, भिगी हुई चने और उसका पानी पीते हैं खाली पेट। बहुत सारे वीडियो भी होंगे, आप देखते होंगे, लेकिन मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि इसके फायदे या नुकसान, मैं ये बताऊंगा आप लोगों को इससे जुड़ी तथ्य। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट मैं बताऊंगा कि आपको कब और कहाँ नहीं खाने चाहिए कच्चे चने और उसके पानी को नहीं पीना चाहिए, या फिर इसके साथ क्या खाना है क्या नहीं पीना है वो मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं केवल दो बात पे ही ध्यान दूंगा जो कि आप अगर अपनाते हैं तो इससे आपको बचाव करना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखें, और हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फैक्ट को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात मैं बता देता हूं आप लोगों को, सुबह सुबह आप लोग ये काले चने खाते हैं, लेकिन काले चने के खाने के तुरंत बाद या पानी पीने के तुरंत बाद ये दो चीजें नहीं खाने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, नहीं तो दोस्तों हो जाएगा उल्टा रिएक्शन। पहला है दोस्तों अचार। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह अगर आप काले कच्चे चने खाते हैं या फिर किसी भी टाइम खाते हैं या उसका पानी पीते हैं, इसके साथ या थोड़ी देर के बाद भी आपको अचार नहीं खाना है। अचार को गलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है दोस्तों, और इसे चने के बाद खाना मतलब पेट में जहर बनाने के बराबर है। तो दोस्तों आपको भीगा हुआ चना नहीं खाना है, भीगा हुआ चना और अचार का रिएक्शन एक साथ हो जाता है दोस्तों, और पेट में जहर बनने के साथ साथ इससे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है और कई बार तो हार्ट अटैक भी आ जाता है दोस्तों। इसके अलावा सीने में भी लगातार दर्द और जलन बना रहता है। आप लोग को यकीन नहीं होगा, आप खा के अगर देखिए, ये मैं वीडियो जो बना रहा हूं, अगर आप खा के देखते हैं तो आपको रिएक्शन पता चलने लगेगा। अब बात करेंगे दूसरा का, सुबह के समय भीगे हुए चने खाने के बाद कभी भी आपको करेले का सेवन नहीं करना है। हाँ दोस्तों, करेला जानते हैं आप, करेले का सेवन बिल्कुल नहीं करना है आपको भीगे हुए चने खाने के बाद या उसके पानी पीने के बाद, क्योंकि भीगे हुए चने में जो ऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों, वही ऑक्साइड करेले में भी पाया जाता है। और दोनों में अंतर यह होता है कि चने में ऑक्साइड लेवल बहुत कम होता है, जबकि करेले में ऑक्साइड लेवल चने के अनुसार बहुत ही ज्यादा होता है। इसी वजह से यह हमारे शरीर में एक साथ जाकर जहर बन सकता है और यह गंभीर बीमारी का खतरा है। तो दोस्तों ये दो चीजें आपको बिल्कुल नहीं अपनाना है बताए हुए अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारा फैक्ट। अगर आप भी काले चने खाते हैं, भीगे हुए उसके पीते हैं पानी, तो आप इसे ही आजमाएं, इसके साथ बिल्कुल भी अचार या करेले को नहीं अपनाना है। इसके जस्ट बाद आपको एक घंटे दो घंटे के बाद खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।